सदर आसिफ अली जरदारी बीमार होकर इलाज के लिए दुबई किया गए, बस फिर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे मुश्किल में ही आ गई। कहीं अफवाहों का तूफान तो कहीं बीमारी के बायस उनके इस्तीफे की बात सामने आई। मेमोगेट के दबाव का तज़किरा भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आप देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मंसूर एजाज जिस तरह से रोज अपना जो है एक बयान को बदलते हैं, उनकी अहमियत खुद अमेरिका ने उसको मुस्तरद किया है, इसलिए ना तो उसका हमें कोई ऐसी फिक्र की बात है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर आसिफ अली जरदारी के लिए दुआया तकरीब में कायदीन मुखालफीन पर खूब बरसे। हम असन इकबाल की दराजी उम्र के लिए दुआ गो है, हम मियां शहबाज शरीफ की दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। हम अपना इंसानियत का ये रास्ता कथन उनके तानों उनके इन तीरों से अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। सदर की बीमारी का गम कहें या पैदाशुदा सूरतेहाल का दबाव, बाद जियाले रहनुमाओं तो तकरीब में इंतहाई जज्बाती हो गए। हमने कोई दुआ नहीं मांगनी क्योंकि हमारा लीडर सेहतयाब है और इंशाल्लाह सेहतयाब रहेगा, हमें किसी दुआ की जरूरत नहीं। गो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम को फोन करके सदर ममलकत की खैरियत दरियाफ्त की है, मगर दुआया तकरीब में दुआ के साथ साथ पीपल्स पार्टी के कायदीन मुस्लिम लीग नून पर बरसते नजर आए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।